क्या आपको पता है आपका एक रूम, एक लिविंग रूम, एक डाइनिंग रूम कितने सारे पर्पसेस सॉल्व कर सकता है? आप उस रूम में पार्टी स्पेस भी बना सकते हैं, आप उस रूम में रह भी सकते हैं और आप उस रूम में सो भी सकते हैं। जस्ट बिकॉज ऑफ द लाइट्स यू कैन प्ले अराउंड इन द रूम। हाय, माय नेम इज शशांक जैन, वेलकम टू आवर चैनल वुडोफा। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ इस वीडियो में, लाइटिंग कितने टाइप की होती है और उस लाइटिंग का रोल क्या क्या है। देर आर सो मेनी टाइप ऑफ लाइट गाइज, सो एक्सेंट लाइट्स, डेकोर लाइट्स, फ्लोर लाइट्स, सीलिंग लाइट एंड ट्यूब लाइट्स। आपको याद हो जब हम छोटे थे, आज से 15, 20, 25 साल पहले, सो हमारे घर में ट्यूब लाइट्स हुआ करती थी। इस पिक्चर में आपको दिख जाएगा कि ट्यूब लाइट होती थी टिपिकली घर में और उसी से सारा लाइटिंग का रोल प्ले किया जाता था। उतना फास्ट लाइफ स्टाइल भी नहीं होता था। आज पूरा लाइफ स्टाइल बहुत डिफरेंट है, हम पूरा वर्ल्ड ट्रैवल कर चुके हैं, सो हमें आदत है एक अच्छा प्रीमियम स्पेस देखने की। सो ऑब्वियसली हमें अपने घर में वो ट्यूबलाइट पसंद नहीं आएगी। सो आप अपने घर में भी जो आज मैं बताने वाला हूँ ये डिफरेंट टाइप ऑफ लाइट्स को यूज़ कर सकते हैं और अपने घर को भी एक मिनी होटल का फील दे सकते हैं। यस, यू कैन डेकोर योर हाउस, यू कैन डेकोरेट योर हाउस, यू कैन इंक्रीज द लाइटिंग इन योर हाउस विद द हेल्प ऑफ दीस लाइटिंग टेक्निक्स आई एम गोना शेयर टुडे। बट अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। मैं इतनी मेहनत करता हूँ, आप सब लोगों के लिए इतने सारे वीडियोस बनाता हूँ। अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन आइकन पे भी क्लिक कर दीजिए एंड ट्रस्ट मी गाइस, आई विल बी देयर टू हेल्प यू विद मोर टिप्स एंड ट्रिक्स। सो आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ एम्बियंट इंडोर लाइटिंग के बारे में। क्या आपको पता है आपके घर में जो आपका घर का जो स्पेस है उसकी लाइटिंग और जो पार्टी की लाइटिंग है बहुत फ़र्क होती है। सो आप दो तरीके से इस लाइटिंग को इन्जॉय करते हो, मे बी आप अपने घर में भी पार्टी का फील बना सकते हो और जब आप पार्टी में जाते हो तो उससे पहले आपको देखना है कि आप कैसा लग रहे हो, आपका ड्रेसअप कैसा है, आपका मेकअप कैसा है, आपकी चीज़ें कैसी हैं, ये आप अपने घर के अंदर देख सकते हो बाय यूजिंग सम एम्बिएंट लाइटिंग। उसका मैं थोड़े आपको टिप्स दूंगा अभी लाइटिंग के बारे में, तो वो लाइट्स इंस्टॉल कर लीजिए अपने ड्रेसअप या मेकअप रूम में और आप वो भी कर पाएंगे। सो लाइटिंग का बहुत सारा पर्पस है। सो पहली लाइटिंग जो इंपॉर्टेंट है विच इज़ द शैंडलियर। सो ये डेकोर लाइट की तरह काम आती है। सो आप जैसे अपने घर के लिविंग रूम में या ड्राइंग रूम में या डाइनिंग टेबल के ऊपर एंटर करते हो तो आप ये शैंडलियर को यूज़ कर सकते हो। सो दिस इज़ अ शैंडलियर विच इज़ अ पेंसिल शैंडलियर और मे बी अ डेकोरेटिव शैंडलियर यू कैन यूज़ ऑन द सेंटर टेबल, मे बी ऑन अबव द सेंटर टेबल और मे बी अबव द डाइनिंग टेबल। सो बहुत सारे टाइप के शैंडलियर्स हैं, मैं अभी आपको कुछ स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ और भी बहुत सारे मल्टीपल टाइप्स के हैं जो कि मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, मे बी आप उसके अंदर देख लीजिएगा। सेकेंड काइंड ऑफ अ लाइटिंग इज सीलिंग लाइट्स। सो अक्सर इनको POP लाइट्स भी बोला जाता है कॉमन लैंग्वेज में। तो जब आप अपने घर का इंटीरियर कर रहे होते हो या रेनोवेट करते हो तो सबसे पहला आपका इंटीरियर डिजाइनर आपको क्या बोलता है, सर लाइटिंग लगाएंगे। अच्छा, किस तरीके की लाइटिंग लगाएंगे आपको सही नहीं करता है, वो आपको बोलता है कि सिर्फ लाइटिंग लगाएंगे। तो फॉल सीलिंग के अंदर बहुत सारे तरीके की लाइटिंग लग सकती है जिसको हम फॉल सीलिंग लाइट्स भी बोलते हैं। सो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसको सरफेस लाइट्स में भी बोला जाता है, कंसील लाइट्स की बोला जाता है, सिलेंडर लाइट्स भी बोला जाता है। तो बहुत सारे टाइप की लाइटिंग है जो आपके फॉल सीलिंग में या विदाउट फॉल सीलिंग आपकी छत पे, मे बी विच इज़ ऑल्सो कॉल एज द RCC लेंटर लेवल और द स्लैब लेवल, यू कैन डू दैट। सो ये आप ध्यान रखिए कि आप किस तरीके की लाइट अपने घर में यूज़ कर रहे हैं। इसके अंदर भी दोस्तों तीन टाइप के कलर्स हैं, एक है वार्म वाइट, एक है वाइट और एक है न्यूट्रल वाइट। सो बहुत सारे लोगों को इन तीन कलर्स के बारे में भी नहीं मालूम होता है। सो मैं आपको एक छोटा सा सैम्पल शीट दिखा रहा हूँ कि आप जिससे लाइटिंग को आइडेंटिफाई कर सकेंगे। उसके बाद लाइटिंग मैं यूज़ करता हूँ विच इज़ वॉल माउंटेड। सो कई बार होता है कि हमें एक विक्टोरियन फील या एक बोहेमियन फील बनानी है या हमें घर के अंदर एक ऐसी फील बनानी है जिसके अंदर वॉल लाइट्स लग सकती हैं। बहुत बार होता है कि मैं सोफे के ऊपर या सोफे के साइड में या मे बी साइड टेबल के ऊपर या मे बी बेड साइड टेबल्स के साथ मैं लाइटिंग लगा देता हूँ, इसको हम बोलते हैं वॉल लाइट्स। ये भी बहुत सारे डेकोर मॉडल में आती हैं, बहुत सारी लाइट्स आपको अमेजोन के प्रोडक्ट्स में मिल जाएंगी। मैं एक और वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए जिसके अंदर मैं उन सारी लाइट्स के बारे में भी बात करूंगा और कुछ लाइट्स इस डिस्क्रिप्शन में भी डाल देता हूँ सो दैट आप डायरेक्टली बाय कर सकेंगे। चौथा टाइप का जो लाइट है विच इज़ कॉल एज LED लाइट्स, ये बहुत ही पॉपुलर है, आपको हर नुक्कड़ की दुकान पे ये मिल जाएगा। स्पेसिफिकली फॉर ऑल माई व्यूअर्स हु आर इन इंडिया एंड पाकिस्तान एंड ऑल द एशियन कंट्रीज, सो यू फाइंड दीज लाइट्स वेरी कॉमन इन वेस्टर्न वर्ल्ड, अमेरिका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया में ये उतनी ज़्यादा नहीं चलती हैं, बट इंडिया में और इंडिया के अराउंड एशियन कंट्रीज़ में ये बहुत पॉपुलर हैं।
सो आपको ये बहुत ही कॉमनली किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट पे मिल जाएगी। आई विल गिव यू सम आइडियाज ऑल्सो इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से खरीद सकेंगे। नाउ दिस इज माई फेवरेट, इफ यू कम टू माई ऑफिस, इफ यू बाई एनी चांस कमिंग टू नोएडा नियर डेली, सो डू ड्रॉप इन टू माई ऑफिस एंड आई विल बी हैप्पी टू मीट यू पर्सनली। मेरे ऑफिस में आप जब आएंगे तो मैंने अपने टेबल के ऊपर ट्रैक लाइट लगाया है। सो ये ट्रैक लाइट ऑफिस लाइटिंग के साथ साथ घर के अंदर भी बहुत यूजफुल है। अगर आपके अपने घर को, अपने रूम को स्टूडियो का लुक देना है और आपको सीलिंग भी बहुत ज़्यादा रिड्यूस नहीं करनी है तो आप ट्रैक लाइट्स भी लगा सकते हैं। यस, जैसा आप पिक्चर में देख रहे हैं एक नॉर्मल ट्रैक होता है, उसके ऊपर 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4 लाइट्स लगा सकते हैं और उसको भी यूज़ कर सकते हैं। इट्स वेरी ईजी टू इंस्टॉल, देखने में बहुत बड़ा हवा लगता है, बहुत आसान है, बहुत मज़ा आएगा क्योंकि आप इन लाइट को कैसे भी टर्न अराउंड कर सकते हैं। अक्सर मैं वार्डरोब एरियाज में, ड्रेसर एरियाज में भी इन लाइट्स को लगाता हूँ, सो दैट जब मैं वार्डरोब खोलूँ तो मेरे को ये डायरेक्ट लाइट ऊपर से दिखे और मैं अपने कपड़े आराम से निकाल पाऊँ। मैं वार्डरोब लाइटिंग के ऊपर भी कुछ बोलना चाहता हूँ पर ये वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा, तो मे बी आई विल क्रिएट अनदर वीडियो। अगर आपको चाहिए वार्डरोब लाइटिंग के ऊपर भी वीडियो, डू राइट इन द कमेंट बॉक्स दैट आई वांट वार्डरोब लाइटिंग वीडियो, आई विल बी हैप्पी टू मेक दैट फॉर यू। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अनदर डेकोर लाइट विच इज फ्लोर लैम्प्स। यस, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ डेकोर। सो आप अपने घर में फ्लोर लैम्प्स को, मॉडर्न लैम्प्स को, ट्रेडिशनल लैम्प्स को हटा दीजिए और एक नए फ्लोर लैम्प्स जो मैं आप बताने वाला हूँ वो ले आइए। आप ज़रूर सोच रहे होंगे शशांक बहुत पैसे खर्च कराता है और मे बी नया मेरा प्रोडक्ट लेके आएगा, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता। अगर आपका फ्लोर लैम्प अच्छा है या आपका टेबल लैम्प फ्लोर लैम्प में कन्वर्ट हो सकता है तो ज़रूर करिए। पर फ्लोर लैम्प से सबसे अच्छा फ़ायदा क्या होता है कि आपको एक बड़ा स्पेस मिल जाता है, आपका लिविंग रूम या बेडरूम एक कॉर्नर स्पेस में वो बहुत अच्छा डेकोर क्विकी लगता है। लॉट ऑफ प्लेसेस इन लॉट ऑफ हाउसेज इन लॉट ऑफ वीडियोस आई मेक, इफ यू गो टू माय चैनल, यहाँ पर प्लेलिस्ट मैंने डाल दूंगा लिंक उसका, जिसके अंदर आप मेरे बहुत सारे घर के वीडियोस देख सकते हैं। उन वीडियोस के अंदर आपको बहुत सारे आइडियाज़ मिल जाएंगे जो मैं सेग्रीगेटली अलग अलग बताता रहता हूँ आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी गाइज, आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब अगर अभी तक आपने नहीं किया है, और ज़रूर से मेरा एक फेसबुक का ग्रुप है डिज़ाइन लवर्स के नाम से, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका डिटेल डाल दूंगा, उसको ज्वाइन करना मत भूलिए। उसके अंदर मैं बहुत सारी टिप्स डेली बेसिस पे शेयर करता हूँ और आपको अपने घर का डेकोर इंटीरियर करने के खूब सारे आइडियाज़ फेसबुक के थ्रू भी मिल जाएंगे। यूट्यूब पे मेरा चैनल है जो कि आप देख रहे हैं वुडोफा के नाम से, मेरे को प्लीज़ शावर अप करिए, प्यार देते रहिए और मेरा चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू सो मच।